हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुजाता। एसएस वर्ड जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सिंपल फ्लेक्स डिजाइन बनाना। तो आइए देखते हैं कि सिंपल फ्लेक्स डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी बार में यहाँ यूनिट से दिया हुआ है, इसमें आप मेजरमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, फीट में दिया हुआ है, इंच में दिया हुआ है। अगर इंच में दिया हुआ है तो फिट में करेंगे, और अगर फिट में दिया है तो फिट में रहने देंगे। तो फिर इसका साइज बनाते हैं। आज हम बनाएंगे 2 x 3 फीट का। तो सबसे पहले हम यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं, उसका साइज यहाँ पर डालते हैं। ये हमने बनाया है 2x3 का एक बॉक्स बनाया है। अब हम इसमें मैटर टाइप करेंगे। ये पहले से हमने मैटर टाइप करके रखा हुआ है। इस मैटर को हम इस बॉक्स में सेट करेंगे और कुछ डिज़ाइन डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टूल बॉक्स में इलिप्स टूल से एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ एक ऐसे सर्कल बनाया, क्विक टूल से लेकर इसको एडजस्ट किया। यहाँ पर मेन्यू बार में जाकर इफेक्ट मेन्यू में जाते हैं और पावर क्लिप करते हैं। तो यहाँ इसको हमने पावर क्लिप किया। अब यहाँ से ये जो मैटर टाइप किया हुआ है इसको सेट करेंगे धीरे धीरे। सबसे ऊपर से मैटर को सेट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इसको सेट किया। आप राइटिंग भी चेंज कर दीजिए इसकी। हमने इसकी राइटिंग ये वाली ली है। इस मैटर को पिक टूल से सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और इस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से सी प्रेस कीजिए, तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अब हम यहाँ इसको सेट करते हैं। ये देखिए इसकी हमने राइटिंग चेंज की। इनको बॉक्स में सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ से टूल बॉक्स में जाके इलिप्स टूल से यहाँ पर कुछ ओवल शेप में बनाते हैं। एक ओवल हमने बनाया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की प्रेस कीजिए और इसको नीचे लेकर आइए और माउस से राइट क्लिक कर दीजिए, तो ये कॉपी हो जाएगा। अब इनको इसमें सेट करते हैं। इनकी पहले हम राइटिंग चेंज करेंगे। मैटर को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कीजिए और इस ओवल को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से सी और कीबोर्ड से ई की को प्रेस कर दीजिए, ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अब हम इस वाले राइटिंग को सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ से एक हमने छोटा सा बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में हम इसको सेट करेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद टूल बॉक्स से हम शेप टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इस बॉक्स को थोड़ा डिज़ाइन में बनाते हैं। ये देखिए इसको हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। मैटर को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कीजिए और इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से सी की और ई की को प्रेस कर दीजिए, तो इसके सेंटर में आ जाएगा ये। ये देखिए हमारा मैटर सेट हो गया। अब हमने यहाँ जो एक सर्कल बनाया हुआ है इसमें हम कुछ पिक्स डालते हैं। तो चलिए इसमें पिक्स डालते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल आई कीजिए और जहाँ भी ये पिक्स आपकी हैं कंप्यूटर में वहाँ से आप इनको सेलेक्ट कीजिए और इम्पोर्ट कर दीजिए, तो ये हमारी ये पिक्स इम्पोर्ट हो जाएंगी। ये देखिए इम्पोर्ट हो गई हैं। अब हम इसको सेट करते हैं। ये हमने सेट कर लिया। अब हम यहाँ बैकग्राउंड में कोई बैकग्राउंड डालते हैं, इस बॉक्स के पीछे एक बैकग्राउंड डालते हैं। तो आप इसको कंट्रोल आई करके इम्पोर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल आई करके उसके बाद जहाँ भी आपकी ये बैकग्राउंड है आपके कंप्यूटर में तो आप वहाँ से इसको सिलेक्ट करके इम्पोर्ट कर दीजिए, ये आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। ये देखिए हमारा ये बैकग्राउंड आ गया। ये जो बैकग्राउंड है वो हमारे मैटर के ऊपर है, तो इसको हमें पीछे लेकर जाना है। पहले तो हम इसको पावर क्लिप करते हैं। तो पावर क्लिप करने के लिए इफेक्ट मेन्यू में जाकर
पावर क्लिप में और प्लेस इनसाइड फ्रेम करते हैं, तो ये हमारा अंदर आ गया। अब हम इसको सेट करते हैं। ये देखिए हमारा ये सेट हो गया। यहाँ से हमने ओवल बनाया हुआ था, ये ओवल नीचे हो गया। इस ओवल में हम वाइट कलर करते हैं, ये आउटलाइन को रेड करते हैं। आउटलाइन के लिए जो भी कलर की आउटलाइन लेनी है उस पर माउस से राइट क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड से F12 की को प्रेस कीजिए। तो अपन आउटलाइन है उसको अपन मोटा और पतला कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आउटलाइन को मोटा करते हैं। ये देखिए आउटलाइन मोटी हो गई हमारी। अब हम इसमें कुछ इफेक्ट डालते हैं। तो इफेक्ट डालने के लिए टूल बॉक्स में आके नीचे से 1 2 3 4 नंबर पर लॉन्ग प्रेस करते हैं और यहाँ ड्रॉप शैडो पर क्लिक करते हैं और यहाँ शैडो डालते हैं। अब हम इसमें यहाँ पर ये शैडो फैदरिंग दिया हुआ है इसको हम कम करते हैं। इसको हमने 8 किया, एंटर किया। फिर यहाँ पर हमने ड्रॉप शैडो ओपेसिटी बढ़ाई, इसको हमने किया है 90, एंटर किया। तो ये देखिए ओपेसिटी बढ़ गई है। अब हम इसको पकड़ के थोड़ा सा अंदर करते हैं। देखिए अंदर किया, क्विक टूल लेते हैं और कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद एक बार कहीं भी क्लिक करते हैं, ये पावर क्लिप से बाहर आ गए अपन। अब हम इसमें कलर डालते हैं। हमने डाला यहाँ रेड और कीबोर्ड से F11 की को प्रेस किया तो यहाँ फाउंटेन फिल आ गया। इसमें अपन क्या है इसको अब कलर को सेट करते हैं। यहाँ एंगल दिया हुआ है, हमने यहाँ 90 किया और इस वाले यहाँ टू में हमने ब्लू कलर किया। ये देखिए ये हमारे इस तरह से आ गया कलर। हमने यहाँ थोड़ा डार्क किया इसको और यहाँ एज पैड में हमने इसको लिख दिया 40। ये देखिए ये आ गया हमारा, इसमें कलर सेट हो गया है। इसमें हम ब्लू कलर करते हैं। अब ये देखिए टूल बॉक्स में यहाँ दिया आई ड्रॉप टूल को, आई ड्रॉप टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम ब्लू कलर को लेते हैं। ब्लू कलर को लिया और यहाँ हमने इस पर सैंपल कर दिया तो सेम यही ब्लू कलर ऊपर वाले मैटर में भी आ गया है। अब इनमें हम कलर डालते हैं छोटे छोटे ओवल में। तो हमने इसमें कलर ये डाला हमने लाइट और इसकी आउटलाइन रन करने के लिए कलर पैलेट में यहाँ क्रॉस बना हुआ है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं माउस से, इसकी आउटलाइन नन हो गई। अब ये देखिए हमारा जो मैटर है वह इन कलर फिल करने से वो पीछे छिप गया है। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको एक बार सिलेक्ट कीजिए, फिर कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस कीजिए और एक बार और इसी पर क्लिक कीजिए तो वो मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। अब कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद पेज अप कर दीजिए तो हमारा मैटर ऊपर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट में करते हैं। पहले ओवल पर क्लिक किया, उसके बाद हमने ऑल्ट की प्रेस की और फिर एक बार फिर यहीं क्लिक किया तो मैटर सेलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और पेज अप करते हैं तो हमारा मैटर ऊपर आ गया। इसका हम कलर चेंज करते हैं। देखिए ये हमने कलर चेंज कर दिया। अब नीचे वाले पार्ट को सेट करते हैं। इसमें कलर डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम ये बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इस पर ये कलर फिल करेंगे। इसमें भी मैटर पीछे चला गया है तो ऑल्ट की प्रेस कीजिए, एक बार क्लिक कीजिए इस पर तो मैटर सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और पेज अप कीजिए, ये हमारा मैटर ऊपर आ गया। ये देखिए इसमें हम कलर करते हैं पिंक, ये पिंक कलर हो गया। ये जो हमने फ्लेक्स डिजाइन रेडी किया है इसके पीछे हमें आउटलाइन डालनी है तो क्या करेंगे, पहले हम ये यूनिट्स में जाकर फिट की जगह इंचेस करते हैं। इंचेस करने के बाद इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसका साइज़ देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर इसका है 24 और 36। तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से 22 और 34 करेंगे और एंटर करते हैं। ये थोड़ा छोटा हो गया। अब यहाँ से एक बॉक्स और बनाते हैं, उसमें हम एक्चुअल साइज डालेंगे 24 और 36। ये डाल दिया हमने। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से पी की को प्रेस कीजिए तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए पेज के सेंटर में आ गया। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद पूरे को सिलेक्ट कीजिए तो जो हमने जो डिज़ाइन बनाई है ओनली वो सिलेक्ट हुई है।
अब कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कीजिए और पेज अप को प्रेस कीजिए तो ये ऊपर आ गया। अब हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और इसकी आउटलाइन नन करते हैं। देखिए आउटलाइन नन कर दी हमने। अब ये पीछे वाले बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम कलर फिल करते हैं। तो कीबोर्ड से F11 को प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर लाइनर लिखा हुआ है और यहाँ फ्रॉम में हम डालते हैं रेड कलर, टू में डालते हैं हम ब्लू कलर, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इस नीचे वाले पे क्लिक करते हैं या बीच वाले में क्लिक कर दीजिए। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दीजिए, इसको हम कलर को थोड़ा डार्क करते हैं। ये देखिए ये आ गया, हमारा सेट हो गया, ये बन गया हमारा फ्लेक्स डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा और इफेक्ट डालते हैं। ये जो बंसी का गारमेंट है इसमें देखिए, इसमें बंसी का में बिंदी लगाना भूल गए। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्किल बनाया और इस सर्किल को हम यहाँ पर सेट करते हैं। थोड़ा और छोटा किया, इसको यहाँ सेट किया। इसमें हम कलर डालते हैं आई ड्रॉप टूल से। इसका सैंपल यहाँ लिया और इसमें फिल किया। इसकी आउटलाइन बनाते हैं हम। ये देखिए ये हम हमारे ऊपर उसकी बिंदी आ गई है। ये देखिए ये हो गया वंशिका गारमेंट्स। अब हम इसमें क्या है, थोड़ा सा इफेक्ट और डालते हैं पीछे की साइड। तो हम यहाँ से एक बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स बनाया, इसमें हमने येलो कलर किया और इसकी आउटलाइन को नन किया। अब टूल बॉक्स में आकर नीचे से 1, 2, 3, 4 या ड्रॉप शैडो टूल, इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए। बाकी के टूल्स जो हैं वो सामने दिखने लगेंगे। तो सबसे नीचे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी, इस पर क्लिक कीजिए और इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए और इसको ट्रांसपेरेंसी कीजिए इस पर। ये देखिए थोड़ा हो गया। अब क्या करते हैं, कीबोर्ड से F11 की को प्रेस कीजिए और यहाँ एंगल में -90 कीजिए और अब ओके कर दीजिए। ये इतना हो गया। अब ये जो मैटर है, मैटर को सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर दीजिए। ये आ गया ऊपर, ये देखिए पीछे हल्का सा इफेक्ट आ गया हमारे पास येलो कलर से। ये देखिए हल्का सा येलो कलर से इफेक्ट आ गया, हमारा ये फ्लेक्स डिजाइन रेडी हो गया है। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इसको बना पाएंगे। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।